हेलो, दिस इज बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप थोड़ा देखकर समझ गए किस तरह का हम लोग पोस्टिंग करने वाले हैं, बट मैं बता दूं कि हम लोग का जैसे कि मेरे पास कमेंट आया था, व्हाट्सएप पर भी आया था, कॉल भी आया था, ठीक है, वो इंस्टाग्राम पर भी मेरे पास बहुत सारा मतलब इस तरह टाइप का मतलब पोस्टर डिजाइन के लिए मैसेज आ रहा था। तो आपको अगर इस अगर आपको भी मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो मेरे को कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, ठीक है। आपको बात करता है, जैसे कि आप सबको बता दें कि हम लोग पोस्टर डिजाइन करने वाले हैं और जन सेवा केंद्र, जैसे कि CSC, जैसे सेंटर होते हैं कॉमन सर्विस सेंटर का, जो आसानी से आपको मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से आपको किस तरह का बनाना है, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को बनाने के लिए, इस वीडियो को पूरा प्रोसेस जानेंगे और बिल भी फाइल मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 स्टेप आपको पासवर्ड मिलेगा जो आपको एक साथ लगा के अनजिट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि इसको पीलू फाइल को एडिट करने का कैसे तरीका बताएंगे, उसमें काफ़ी मतलब झंझट वाला बात है, ठीक है। उसमें क्या चेंज करना है, क्या चेंज नहीं करना है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बनाने के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर पिक्सल हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पिक्सल है। पिक्सल इसी तरह का आपको अप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जो प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर पिक्सल का वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि बनाने के लिए लोग इसी पिक्सल के माध्यम से बनाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर जरूर है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कर लीजिए तो दिल से धन्यवाद, अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं यहाँ पर वीडियो के स्क्रीन पर। मैं यहाँ पर पिक्सल के बाद कहना है कि आपको पीलू फाइल ऐड करना है, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, थ्री डॉट लाइन दिया है, इस थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करेंगे, नीचे देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड पर आपको एक मिल जाएगा ओपन डॉट पीएलवी फाइल, ठीक है। इस डॉट पीएलवी फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड में आपको यहाँ पे PLP फाइल का नज़र आएगा, डॉट PLP फाइल, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जहाँ भी मेरे डिस्क्रिप्शन से ये PLP फाइल डाउनलोड कर रखे हैं उसके कारण कि उस फोल्डर से आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, करने के बाद से आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद से आपको सामने देख सकते हैं कि इस तरह का आपको मतलब कि इस तरह का आपको PLP फाइल ऐड होगा, ठीक है। और ऐड होने के बाद से अगर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से यहाँ पर बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद से आपको देख सकते हैं फुल साइज में आपको बनाया गया है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से लग रहा है। और आपको इसमें ध्यान रखना है किस तरह क्या करना है, मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगाते हैं और काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा है, ये देख सकते हैं टेक्स, ठीक है। इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, तो आप इसको यहाँ पर अपने हिंदी में इंग्लिश में जो भी चाहते हैं लिखने के लिए। और यहाँ इसमें कुछ मतलब इसमें कुछ मतलब इसमें से कुछ चेंज करना चाहते हैं और नीचे देख सकते हैं कुछ कुछ इसमें लिखे गए बातें और अपना पता चेंज कर सकते हैं और नीचे कुछ और से भी टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करके, मोबाइल नंबर है, नेम है, आपको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस लेयर पर क्लिक करना है, ठीक है। इस लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सारा चीज़ चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से सारा चीज़ चेंज कर लेंगे और ये जो रोहित देख रहे हैं तो इसको मर्ज करके बनाए हैं और सिंपल फंट है, इसको काफ़ी मतलब कॉलीग्राफी के इसको मतलब बना दिए हैं, ठीक है। और कॉलीग्राफी बनाए हैं तो उसको कमेंट कीजिए कॉलीग्राफी बनाने के लिए, मैं उसको आपको जल्द आपको बता देना ट्यूटोरियल, ठीक है। तो आपको बता सकते हैं कि इसका सिंपल फंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको हिंदी इंग्लिश जो भी मतलब लिखना चाहते हैं आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर एक आपको नीचे मिल जाएगा एक ऑप्शन ए का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक सेकंड दिखा देते हैं आपको क्या करना है। यहाँ से देख सकते नीचे एक आपको एक का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद एडिट पर क्लिक करना है, ये वाला एडिट पर, एडिट पर क्लिक करने के बाद से आपको जो भी मतलब सेंटर का नाम रखना चाहते हैं दुकान का उसको यहाँ पर टाइप करना है, डन करना है, ओके करना है और अपना कलर हिसाब से अपने यहाँ पे इसको साइज बढ़ा के रख लेना है, ठीक है। हिंदी में काफ़ी बेहतरीन लगेगा, मैं इंग्लिश भी लिख दिया हूँ कि इसे थोड़ा सा मतलब कि अच्छा लग रहा है इसलिए, ठीक है। अगर आप उसके पास फंट वंट अच्छा है तो इसको इस तरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना कि यहाँ पर सारा चीज़ मतलब यहाँ पर दिया गया सिंपल सिंपल सा बात है, इसको काफ़ी मतलब बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये वाला पट्टी वट्टी है, इसमें से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट लोकता है कि आपको ये नहीं चाहिए, इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अपना जो प्रोप्राइटर है उसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पता है पता भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल फंट है, यहाँ पे इस लॉक हटाना है, सेलेक्ट करना है और एडिट पर चलाना है। चलिए इसको मैं पता कहीं से थोड़ा यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, इस वाला पत्र पर लॉक हटाएंगे, इसको फ्रंट कर लेते हैं, उसके बाद एडिट पर जाते हैं और इसको देख सकते हैं इस तरह का
जो भी मतलब ऐड करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, इसको इस तरह का लिख सकते हैं। लिखने के बाद से आपको ओके कर देना है, ओके करने के बाद से इस तरह का मतलब चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह मतलब एडिट करना है, एडिट करने के इसको मतलब कि आपको बारीकी से बताएंगे तो मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मतलब कि इसी तरह चेंज करना है, ठीक है। चेंज करने के बाद से आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक शेयर का ऑप्शन नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है, शेयर का नज़र आएगा। और इसके पर सेलेक्ट करना है इमेज फॉर्मेट पर, उसके PNG सेलेक्ट करना है, कस्टम या क्वालिटी पर जाना है, आई स्क्रॉल करना है, अल्ट्रा सेलेक्ट करना है, आपको आसानी से सेव टू गैलरी कर लेना है, ठीक है। करने के बाद से आपको HD में, फुल HD में आपको यहाँ पे जिस तरह का देख रहे थे थंबनेल उसी तरह का आपको परफेक्ट मतलब मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह का मतलब बनाना है। अगर आपको कमेंट आता है मतलब आपको प्रोजेक्ट का नाम बताइए, मैं आपको प्रोजेक्ट के नाम से वो बना दूंगा, ठीक है। ये भी मतलब कमेंट बनाया हूँ। तो चलिए वीडियो के एंड करते हैं यहीं तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट पेज के साथ, टेक यू, बाय।